हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो होगी अली एक्सप्रेस का, जो मैंने मेकअप लिए थे उनका रिव्यू। सो जो भी मेकअप लिए थे मैंने, आई शेडो और वो सब, वो आज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। और इन सब की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सो अगर आप लेना चाहते हो तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस मेकअप लुक में आपको और भी एक्स्ट्रा मेकअप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि जो मैंने परचेज़ नहीं किए थे, जैसे फाउंडेशन वगैरह, वो भी मैं अप्लाई करूँगी तो वो मैं बता दूँगी। सो फर्स्ट है ये एलोवेरा जेल और ये है तिजोरी की तरफ से। और ये आपको मिल जाएगा आई थिंक 250 या 300 रुपीज़ में। तो इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। ये फाउंडेशन भी मैंने बाहर से ही लिया था, तो जो मैंने अलीएक्सप्रेस से लिया है मैं उनकी डिटेल दे दूँगी आपको। तो सबसे पहले इस मैंने एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर यूज़ किया है और फिर फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फेस पर। ये जो फाउंडेशन था इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ये मैंने gearbest.com से लिया था। उसके बाद ये मैं अंडर आई वो अपनी आईज कंसील कर रही हूँ, क्योंकि हमें आई शेडो अप्लाई करनी है। सो इसको मैं जो वाटर ड्रॉप वाला स्पॉन्ज होता है मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर, उससे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को ग्रूम करूँगी। एंड ये भी मैंने शायद क्लब फैक्ट्री से ली थी, ये वाली जो आईब्रो पेंसिल थी। एंड आपको अपने आईब्रोज को ज़रूर ग्रूम करना चाहिए। उसके बाद मैं अपने जो मैंने कंसीलर लगाया था उसको सेट करूँगी पाउडर की हेल्प से, कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। अब ये जो आई शेडो पैलेट है ये लिया था मैंने अली एक्सप्रेस से, और ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है। आप इसकी बाहर की पैकेजिंग देख सकते हो, कितनी क्यूट है, कुकीज़ बने हुए हैं इसमें। और ट्रांजिशन कलर अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज पे, और ये है ब्राउन कलर। इसको मैं अपनी क्रीज से लेके अपनी पूरी आईलिड पे और पूरे आईलिड पे इसको अप्लाई कर दूंगी। एंड ये थोड़ा ब्राउनिश सा कलर, ट्रांजिशन कलर होगा ये मेरा। और इस आई शेडो के पैलेट का आई थिंक 400 समथिंग प्राइस था, तो आप देख लेना। और जो आई शेडो पैलेट है बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। नेक्स्ट है ये आई शेडो पैलेट, और ये भी बहुत पिगमेंटेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। और जो मैट वाले हैं वो हैं पाउडरी फॉर्म में थोड़े से, और जो ग्लिटर शिमर वाले हैं वो बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अच्छे लगे मुझे। उसके बाद मैंने बरगंडी सा कलर लिया था, इसको मैंने अपनी क्रीज लाइन से लेके पूरी अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लिया। और आप देख सकते हो सिर्फ एक स्वाइप में इसने मेरी पूरी आईलिड कवर कर ली थी, मतलब मुझे दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये शिमर वाला बरगंडी कलर, और इसको मैंने ब्रश से लेने का चाहा बट ब्रश में नहीं आया ये कलर, तो मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी पूरी आईलिड पे इसको प्रेस कर करके अप्लाई किया है। जैसे आप देख सकते हो हमें इसे ऐसे रगड़ना नहीं होता, इस पर बिल्कुल आराम आराम से प्रेस करना होता है अपनी आईलिड पे। और ये वेट वेट टाइप में है, बिल्कुल ही वेट से हैं, प्रेस करो तो बिल्कुल दब जाते हैं, उस टाइप के ग्लिटर हैं। तो बहुत बेस्ट लगे मुझे ये दोनों आई शेडो पैलेट। वैसे तो 3 दिए थे उन्होंने, बट ये मैं अभी 2 का रिव्यू कर रही हूँ। और फिर मैंने ब्रश की हेल्प से सबको ब्लेंड कर लिया अपने आईब्रोज, मतलब आई शेडो को। नेक्स्ट जो ये आईलाइनर है ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से ही लिया था, और इसमें फ्रंट में स्टार था, बैक में पॉइंटेड वाले थे। तो ये जो आईलाइनर है ये जेट ब्लैक कलर है, और मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी वीडियो भी जब शूट करती हूँ तो मैं यही आईलाइनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल प्योर जेट कलर है और स्केच पेन में है तो बेस्ट है ये। सो आई मेकअप करने के बाद अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा ये मैट लुक का, ये मैंने अली एक्सप्रेस से नहीं लिया था, ये आपको मिल जाएगा अमेजोन वगैरह पे। तो इन सब का लिंक मिल जाएगा आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो। और ये मस्कारा मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं सब में आई थिंक यही मस्कारा यूज़ करती हूँ, क्योंकि यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास और भी हैं बट मेरे को वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते इसके सामने। तो ये मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं अपने कंसीलर लगाऊँगी अपने नोज पे, जो भी नोज पे, फोरहेड पे, अपर लिप पे, चिन पे और अपनी अंडर आइज में, ताकि ये जो हमारे एरियाज़ होते हैं ये बहुत ब्राइटन अप करके आते हैं जब हम इनको कंसील कर लेंगे तो। और इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लोगे बहुत इजीली। ये जो कंसीलर है बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये भी मैंने gearbest.com से लिया था, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप देख सकते हो कितनी ईजिली ब्लेंड हो गया ये। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ MN का ब्लश, और एक कोरल पिंक कलर लिया मैंने, बहुत ही लाइट अप्लाई किया है, बिल्कुल ज़्यादा हार्श नहीं किया है, बहुत लाइट से लिया। उसके बाद 2 लिपस्टिक मिली थी ये मुझे, सो इसमें पहले मैरून वाला कलर अप्लाई कर रही हूँ। और इसके जो ब्रश की क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है, मतलब इतने स्मूथली अप्लाई हो जाता है और बिल्कुल फ्लेक्सीबल है इसका ब्रश। उसके बाद ये है टिंटी सा कलर, तो मैंने टिंट के लिए ये लिप ग्लॉस अप्लाई करी थी,
उसके बाद मैं इसमें से वाइट कलर का शिमर लूँगी अपनी अंडर आईज को ब्राइटर अप करने के लिए, आईज के कॉर्नर को, और फिर अपने जो ब्राउ बोन्स है उसको भी मैं हाईलाइट कर लूँगी इसी शिमर की हेल्प से, एंड एज अ हाईलाइटर भी मैं इसे यूज़ करूँगी। सो ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट लगा मुझे, इसमें हाईलाइटर भी था और आई शेडो भी थे। सो ये था मेरा कंप्लीट लुक, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं ये वीडियो करी है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाती है मेकअप वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ये मेकअप लुक आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।